डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 14th of December 2023 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बुरु। कल एफओएमसी रेट डिसीजंस था जहां पे द फेड हैज होल्ड द रेट, बट वहां पे मेन टेक अवे क्या था, द फेड स्टेटमेंट वाज एक्सट्रीमली ऑन द डॉफिस साइड। द यूएस सेंट्रल बैंक इज अनलाइकली टू रेज रेट्स एनी फर्दर, ब्रिंगिंग एन एंड टू इट्स मोस्ट एग्रेसिव टाइटनिंग साइकिल। FOMC members forecast 3 rate cuts in 2024, amounting to 75 basis points, or means cut in next year. So, dollar index में उसका अच्छा खासा impact देखा गया। Dollar index अभी है आपका 102.49. जैसे कि ये recent swing high है, इसमें आके अभी रुका हुआ है डॉलर इंडेक्स। इसके इमीडिएट लो पे 102 से 102.20 लेवल पे एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, लेकिन जो ग्रेजुअली वो भी टूटने वाले हैं। डॉलर रुपी आज गैप डाउन ओपन हुआ है, कल के दिन में ये क्लोजिंग था आपका 83.4041 लेवल्स पे, आज ये ओपनिंग नीचे की तरफ हुआ है 83.29 के आसपास। भी इंतजार है ब्रेकडाउन होने का, रेंज ब्रेकडाउन होने का इंतजार है। सो नथिंग न्यू हियर, ओनली थिंग इज दैट ये जो रेट कट सिनेरियो जब चालू होगा उसके बाद यूएस से फंड्स इमर्जिंग मार्केट में फ्लो होना चालू होगा, एंड इमर्जिंग मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इज इंडिया, बिकॉज इकोनॉमी performances the best, and also recent jo state elections hua jahan pe out of 4 major states 3 states mein dhuadhar winning the current BJP government ne liya hai, jiske karan jaise hi US se funds flow hona chalu karega to the emerging market, the first destination hamara market hai, and in such a case हमारे यहाँ पे अच्छा इनफ्लो हिट होने वाला है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। इमीडिएटली आज ही से या कल से मीन्स बक्सा भर के डॉलर हमारे कंट्री में आना चालू नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो हमें अभी केयरफुली मॉनिटर करना है डॉलर रुपए के। जीबीपी डॉलर कल एक अच्छा खासा उछाल दिया था, ड्यूरिंग द डे इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2514 एंड 1.2500, एंड वहीं से बाउंस बैक करके कल का क्लोजिंग था 1.26170 पे, अभी है 2644 पे। माय बैड, कल का जो क्लोजिंग था 1.2617 पे एंड अभी का जो है 1.2644। व्हाट नेक्स्ट में अभी जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 1.2730 से 1.3750, एक बार वहां पे तोड़ेगा तो उसके बाद एक अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक बढ़िया सा पैटर्न, ये कप पैटर्न नहीं बोलेंगे बिकॉज इन मिस करेंसीज में कप पैटर्न इतना ज्यादा काम नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता है, ऑल्सो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होता है, करेंसी में काफी सारा यहाँ पे एडेड होते हैं। लेकिन जो स्पेशली देखना है कि यहाँ पे आपका नवंबर एंड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का तैयारी है, उसके बाद हल्का सा पुल बैक करके दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही ये 1.273050 के वहां पे आएगा, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ है तो जूम करके ऊपर की तरफ ये तोड़ देगा। जीबीपी आईएनआर अभी है आपका 105.30, यहाँ पर भी आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है आपका 106.00 से 106.25, उसको एक बार तोड़ेगा तो फिर फर्दर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यूरो डॉलर 1.0906, ये भी आपका फिर दोबारा ऊपर की तरफ रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओनली वन कंसर्न इज RSI एट 59.59 विच इज 60। सो यहाँ पे ये कंसर्न हमें है
कि क्या ये RSI 60 में रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे तो ना आ जाए, दिस इज एन अलर्ट होगा बोल के कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर इस टाइप का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो यूरो डॉलर में अगेन हमें एक वीकनेस देख सकते हैं। यूरो INR सिमिलरली आपका करेंटली 90.83 में है, RSI एट 59.27। आज या आने वाले दिनों में हमें देखना क्या RSI डेली RSI यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ तक ना आए, अगर आते हैं तो उसका वीकनेस हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोच विचार करके यूरो डॉलर एंड यूरो INR कांसेप्ट पेयर्स में लॉन्ग पोजीशंस के तरफ देखना चाहिए। डॉलर येन में ये जो स्विंग लो था कौन सा था आपका 7 दिसंबर का लो 101.60, उसके लो के नीचे सस्टेन किया है। अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के और भी नीचे के तरफ जाएगा तो आपका 137.80 से 138.80 के बीच में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। येन INR 0.5888 ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे जाके टेस्ट करने के लिए 0.59 से 0.5960 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए। डॉलर कैंडी 1.3463, जैसे कि हमारा ये कंसोलिडेशन के बाद किधर जाते हैं वो वाला देखना था, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है। और यहाँ पर भी ये जो आपका 27 नवंबर का वीकली क्लोज के नीचे एक फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वही हो रहा है। यहाँ पे और भी सेल अपटिक्स में भी कंसीडर। ऑसी डॉलर में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 0.6720 वो मेट हो चुका है अभी। उसके बाद अभी हमें 0.6780 से 0.68 के तरफ मार्च करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे 0.68 जाएगा वीकली RSI विल अप्रोच 60, तो उस लेवल पे क्या RSI रेजिस्टेंस लेता है वो हमें देखना पड़ेगा। CNH 7.1265 यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ देखा गया है CNH पे आफ्टर डॉलर FMC रेजिस्टेंस के बाद फिर गया, तो यहाँ पर भी CNH में स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 75.01 ये कल के दिन एक पिन बार बनाया हुआ है, अभी पिन बार एट सपोर्ट लेवल, उससे पहले आप देखोगे 4 बार डाइवर्जेंस, ये एक खतरनाक लेकिन इंतजार करना है। क्या इंतजार करना है? 12 दिसंबर के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देते हैं आज या कल तो ये हमारा जो टारगेट होगा अपवर्ड बायस होगा। फर्स्ट टारगेट 79, सेकंड टारगेट 84, क्या ये 12th दिसंबर के हाई के ऊपर तोड़ते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज 4 बार डाइवर्जेंस 3 बार डाइवर्जेंस एक्स से। अभी भी ट्रिगर हुआ नहीं है, ट्रिगर होगा आपका 12 दिसंबर के हाई के ऊपर क्लोज देने के बाद। US 10 ईयर ट्रेजरी 3.98 ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वहां पे आके अच्छा हुआ है, उसके बाद 3.7 अच्छा खासा वीकनेसेस चल रहा है। सो यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स का अभी गाड़ी चालू हो गया है। US 2 ईयर ट्रेजरी भी अच्छा खासा फॉल हुआ है कल के FOMC रेट डिसीजन के बाद 4.359, यहाँ पर भी काफी वीकनेसेस हैं। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा यानी सपोर्ट लेवल होगा वो है आपका 3.82 से 3.92, थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट जोन है, इस जोन में आके थोड़ा सा हॉल्ट करना चाहिए। सो अभी हमें जो जिस्ट है, जिस्ट में डॉलर इंडेक्स में इमीडिएटली नीचे के तरफ आपका 102.25 के एक सपोर्ट लेवल है। GBP डॉलर में ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, एक बार ये रिसेंट स्विंग हाई को तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ बायस रहेगा। यूरो डॉलर में थोड़ा सा कॉशन, यानी RSI अगर रेजिस्टेंस 60 में लेके फिर वापस नीचे की तरफ आता है सो बुलिश बायर्स को अच्छा खासा
मार लगने वाले हैं। डॉलर येन पे सेल ऑप्टिक्स में भी कंसिडर्ड, डॉलर रुपी में अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा फॉर द इनफ्लोज टू हिट द मार्केट। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।